नमस्कार, लाइव उत्तराखंड में आप है मेरे साथ, मैं हूं श्वेता वर्मा। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। लंकापति रावण का वध करते हुए रावण ने अपने मुख से कुछ बातें लक्ष्मण को बताई थी, जिसमें उस रावण ने अपनी जिंदगी की कुछ गलतियों को जाहिर किया था, जो आज भी लोगों की जिंदगी में एकदम फिट बैठती हैं। आइए जानते हैं लंकापति रावण ने किन बातों को शेयर किया था। अपने सारथी दरबान खानसामे और भाई से दुश्मनी मोल मत लीजिए, वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार आपकी जीत हो। हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करती हो। साथ ही अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए, जैसा कि हनुमान के मामले में भूल हुई। ये गुमान कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ। जो राजा जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना सीखना होगा, वरना जीत मुमकिन नहीं। राजा को बिना टाल मटोल किए दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।